जिला हमीरपुर के भोटा में ऊना से 2 करोनो के मरीजों को शिफ्ट किया गया है। इस इमरजेंसी के दौरान मेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन में हाई रिस्क पर अपना फर्ज निभा रहा है। जिला हमीरपुर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। भोटा में बिना तैयारी के ही ऊना के कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों को भेज दिया गया है। इसको लेकर डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल हमीरपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने खासा रोष व्यक्त किया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि ना तो उससे पहले मॉक ड्रिल करवाई गई और ना ही स्टाफ को व्यवस्थाएं समझने का मौका दिया गया, ना ही संस्थान को सैनिटाइज किया गया है, यहां तक कि हैंड सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक ठाकुर ने कहना है कि भोटा अस्पताल में व्यवस्थाओं के बारे में मेडिकल स्टाफ को पता नहीं है। अस्पताल की व्यवस्थाएं समझने के लिए स्टाफ को मौका भी नहीं दिया गया, इसके लिए ना ही मॉक ड्रिल करवाई गई। इसमें बताना चाहूँगा कि अभी 11 अप्रैल को ही सारे स्टाफ को मूव किया गया है, जिसकी ड्यूटी लगी है भोटा हॉस्पिटल में, जो कि एक सेकेंडरी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। सरकार ने डिजिग्नेट किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेकेंडरी आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो हमीरपुर में ये जो भोटा में चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ये बनाया गया है। तो ये जो डिसीज़न था, ये बड़े आनन फानन में लिया गया कि 11 तारीख को रोस्टर की ड्यूटी लग गई और डॉक्टर्स को भेज दिया गया। वहाँ के सेटअप से हमें हम मुखातिब नहीं थे कि वहाँ पे कौन से रूम में हमने रहना है, कौन से में पेशेंट आएगा, पेशेंट किस तरफ से आएगा, डॉक्टर किस तरफ बैठेगा, नर्स कहाँ बैठेगी, सामान कौन देगा हमें, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। सैनिटाइज़र मिलेगा तो किससे मिलेगा, हॉस्पिटल की सैनिटाइजेशन नहीं हुई थी। वहाँ पे जो डॉक्टर्स गए, जो उन्होंने मुझे बिफोर हैंड वहाँ जाके बताया कि वहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थित तरीके से चीज़ें चल रही थी और बेसिक्स जो चीज़ें थी वो नहीं मिल पा रही थी। हमें भोटा हॉस्पिटल के सेटअप को अक्लमेटाइज होने के लिए कोई मॉक ड्रिल नहीं कराई गई, और ये हो जाती तो बेहतर रहता, और हम पेशेंट्स 2-3 दिन कुछ अपनी तैयारी बढ़ा लेते, उसके बाद पेशेंट्स लेते तो ये बहुत अच्छा रहता वहाँ की, हमारे लिए भी और हमीरपुर और प्रदेश की जनता के लिए भी। पी किट्स तो मैं कहूँगा कि हमारे पास अवेलेबल हैं जी, इसकी अभी तक हमें कमी नहीं आई है। इसके लिए तो प्रशासन ने अच्छा काम किया कि जितने वो थोड़ा बहुत है पी किट्स वो हमें मिल रही हैं जी। एक्चुअली ऐसा है कि 3 जिलों में ओपीडी को वो किया गया है, उसमें मेडिकल कॉलेज मंडी, मेडिकल कॉलेज स्टैंड और शिमला हैं। बाकी के सभी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एवं मेडिकल कॉलेज में ओपीडी चल रही है। तो वैसे तो हमने गुहार की थी शुरू में ही कि मेडिकल कॉलेज की ओपीडी को बंद कर दिया जाए, ताकि यहाँ से स्प्रेड ना हो जाए वायरस, हॉस्पिटल इटसेल्फ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना बन जाए। उसके लिए हमने डीसी साहब को भी लिखा था, और पर अभी उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि वो हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, पर फिलहाल ओपीडीज़ तो बंद नहीं हैं, चल रही हैं। किया गया वो हमें यहाँ पे किया गया, इस अस्पताल में किया गया है कि पीपीएड किस तरह से पहनी जाए, किस तरह से पेशेंट अटेंड होगा इस अस्पताल में। अब हमें लड़ने भेज दिया जी भोटा हॉस्पिटल, वो हमने कभी देखा ही नहीं है जी। अब किसी सैनिक की ट्रेनिंग होती है IMA देहरादून में होती है, जब कारगिल जाता है तो उसकी ब्रीफिंग होती है कारगिल जाने से पहले कि आपको किस एरिया में किस तरह से काम करना है। तो हमें तो बस भेज दिया गया जी कारगिल जाओ लड़ लो, तो ये तो कहना गलत है, क्योंकि हम उस जगह के टोपोग्राफी, उस जगह की एक्वेंटेंस वो हम फेमिलियर नहीं थे जी। नया अस्पताल था हमारे लिए और हमारे लोगों को काफ़ी मुश्किल हुई है वहाँ पर। जो भी इस हेस्ट जो इतनी जल्दी इन्होंने किया और इतनी हफरा तफरी में जो चीज़ें की गई, जिससे हमारे हेल्थ वर्कर्स पे खतरा है कि मे बी वो कोरोना पॉजिटिव हो जाएं, अगर इस हफरा तफरी में ऐसा कुछ होता है तो मैं चाहता हूं कि जो भी इसमें जिसने इसको फॉरवर्ड किया कि ये हमीरपुर को बना दिया जाए और तैयारी पूरी नहीं थी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनसे आप क्वेश्चन कीजिए।